नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य हूँ। आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। ब्रह्मास्त्र की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। कल से ही इसकी एडवांस बुकिंग लिमिटेड तौर पर शुरू हुई और आज जो आगाज हुआ है, ये ऑफिशियल तौर पर आगाज हुआ है। 3 सितंबर है, यानी कि फिल्म को रिलीज होने के लिए 4, 5, 6, 7, 8, 8, यानी कि 5 और दिन, 6 दिन, मतलब आज को पकड़ के 6 दिन प्रॉपर बाकी है। और ये एडवांस बुकिंग जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ये 2 ऐसे शहरों की बताऊंगा जो साउथ मार्केट के सबसे बड़े शहर है। और अगर मैं ये कहूँ कि ब्रह्मास्त्र की एडवांस बुकिंग साउथ मार्केट में हिंदी से ज्यादा है, तो आप मेरी बात को यकीन नहीं करोगे, लेकिन बात ये 100% सच है। चलिए मैं प्रूफ के साथ बताता हूँ। और आखिर एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो इस पिछले कुछ सालों में मैंने सोचा नहीं था कि होगा, स्पेशली बॉलीवुड से सोचा नहीं था कि आने वाले 1-2 साल तक ऐसा कुछ होगा, लेकिन साल तो छोड़ो, महीने भर में ये चीज मुझे देखने को मिल रही है। जैसे कि ये 2,50,000 की इंटरेस्ट की ओर बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सुबह मतलब दोपहर तक ही 242 के आसपास था, मैं जब आर्टिकल देख रहा था दोपहर, मतलब सॉरी शाम को ही, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ध्यान से देखिएगा। मैं मुंबई का तो नहीं ओपन करने वाला, मैं आपको सीधा साउथ का बताने वाला हूँ। साउथ में दो बड़े बेल्ट है, यानी कि एक हैदराबाद, एक चेन्नई। इन दोनों जगह का रिस्पॉन्स बता दूंगा तो आपके मुंह से निवाला निकल जाएगा खाने का, अगर आप हेटर है तो। और जो अगर आप फैन है तो आप सरप्राइज हो जाओ, क्योंकि इस तरह का क्रेज मैंने नहीं देखा। नॉर्मली इस तरह का क्रेज साउथ फिल्म को लेकर हिंदी मार्केट में होता था, लेकिन ये पहली बार हिंदी फिल्म का क्रेज साउथ में इतना होगा, वो भी हिंदी वर्जन को लेकर, क्योंकि सभी लैंग्वेजेस में, ये मैं सोचा नहीं था। चलिए बिना देरी करे, तो मुझे शायद याद करे आप लोगों में से, हिचकिया है मुझे, तो हिंदी वर्जन का मैं बात करना चाहता हूँ। और हिंदी वर्जन में, माफ करना, हैदराबाद का दिखाना चाहता हूँ। तो हैदराबाद में अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरह का रिस्पॉन्स के आपने देखा था, पहले तो टिकट प्राइस देख लीजिए, 380 380। और ये शो जो है, ये मैं प्लेटिनम मूवी टाइम गच्ची बावली का दिखा रहा हूँ। और चलिए ओपन करके देख लेते क्या हाल है। ये ओपन नहीं कर, देख लेते कितने सीट्स बाकी है। लिमिटेड, यानी कि कम से कम ये 80% फुल है, 80% फुल है, ये 90% फुल है, ये तो 95% से ज्यादा फुल है, 96%, ये तो ये भी सेम वही, ठीक है, यानी खत्म। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े छोटे थिएटर्स में, ऐसा नहीं। गच्ची बावली का पीवीआर प्रेस्टीज प्राइम देख लीजिए, 325 का टिकट है। सुबह का शो की बात कर रहा हूँ, देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, इतना फुल है, 325 का टिकट है। और सेम टिकट प्राइस है आगे पीछे दोनों ही। और ये कम से कम, आपके सामने मैं बता रहा हूँ, ये कम से कम 75% फुल है। और ये आज पहला दिन है एडवांस बुकिंग खुलने का, और कुछ ही घंटे हुए हैं, तो ये हाल है। अब मैं जैसे कि एएमबी सिनेमाज, जो वन ऑफ द बिगेस्ट सिनेमाज है गच्ची बावली वाला हैदराबाद का, देख सकते हैं, देख सकते हैं आप, 325 380, 75 से 80% फुल। 1040 का शो का देख सकते हैं, 1040 का शो 90% फुल है, 85 से 90%। ये आपको सामने सामने की बात बता रहा हूँ। और यही नहीं, ऐसे कई सारे शोज है जो हाउसफुल है, जैसे कि पीवर आइकन हिटेक मदा पुद हैदराबाद, 950 का शो का देखते क्या हाल है, देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 65 70% फुल है। और यहाँ पे अगर पीवीआर एट्रियम गच्ची बावली देखे तो इधर का 10:30 का जो शो है, ये आप देख सकते हैं 90% सोल्ड आउट है, ये फुल हाउस हो जाए। यानी कि 24 घंटे भी नहीं बीते हैं, ये फिल्म का रिस्पॉन्स पागलों की तरह बढ़ रहा है। और ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद का फिलहाल दिखा रहा हूँ, और चेन्नई का दिखाऊंगा तो अब और आप शॉक हो जाओगे। तो हैदराबाद में 950 का शो, पीवीएस मसदम बाग, ये थोड़ा सा आपको विजुअली, थोड़ा सा अगर स्क्रीन थोड़ा हल्का लगता होगा तो वो मैंने चेंजेस किए हैं कंप्यूटर में, इसलिए वो नजर आता होगा, लेकिन आपको इतना तो समझ में आता होगा। जिसे देख सकते हैं 75% फुल है, 11 PM का देख लेते हैं, ये 50 60% फुल है, 7:30 का देख लेते हैं, ये कम से कम 75% फुल है। तो यहाँ पर सभी थिएटर्स का हाल इस तरह से होगा, ये कोई सोचा नहीं था। अब इवन एक्सेस मॉल का बताता हूँ मैं, 11 PM का रात का देखते क्या हाल है। ये मैं ओपन करके नहीं देखा, आपके सामने खुल रहा हूँ, 80% फुल है, और टिकट प्राइस आपको पता है 300 से 325, ठीक है। तो आपने ये देखा कि किस तरह से हैदराबाद में खुमार छाया है, और बाकी सब थिएटर्स है आपको खाली लग रहे होंगे, ऐसा नहीं है, सब फास्ट फीलिंग है, देख सकते हैं। जैसे मैं ओपन करता हूँ आपके लिए, सिर्फ साइड में आइनॉक्स जीएसएम मॉल हैदराबाद का 9 AM का शो सुबह का, ये देख सकते हैं फिल हाउस होना चालू हो चुके हैं, ऑलमोस्ट कम से कम 40% फिल हाउस हो चुके हैं, बाकी भी फिल हाउस फटाफट हो जाएंगे। और टिकट प्राइस भी अच्छा खासा है, ऐसे नहीं कि कम है, 325 380, किसको बोलते हैं। सुबह 9 बजे के शोज की मैं हाल हाल बता रहा हूँ, सुबह 9 से रात तक का शोज, मतलब अगर एक एवरेज ऑक्यूपेंसी देखी जाए तो हैदराबाद में एवरेज ऑक्यूपेंसी 60% की है, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। वहीं अगर मैं हैदराबाद में एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ,
नहीं बाकी वर्जन अभी तक प्रॉपर खुले नहीं है, तेलुगु भी नहीं खुले है और 2D या 3D भी ज्यादा नहीं खुले है। तो अब सीधा मैं चेन्नई की बात करता हूँ, ये दूसरा बड़ा सर्किट है साउथ मार्केट का, यहाँ पे हाल देख सकते हैं। तेलुगु वर्जन के सर्किट मैंने बताया हैदराबाद का, अब मैं जो आपको बता रहा हूँ ये चेन्नई का। चेन्नई में हिंदी वर्जन भी देख सकते हैं, एडवांस भी ओपन हो चुकी है। और यहाँ पे अगर देखे पीवीआर ग्रैंड गलाडा पलावरम, और ये हिंदी वर्जन है वो कहाँ पे चेन्नई का देख सकते हैं आप क्या हाल है। ये भी 50% 60% के आसपास सोल्ड आउट है। अब मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, अन्ना नगर का पीवीआर वीआर सिनेमा दिखाता हूँ। टिकट प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं एक ही तरह के टिकट प्राइस है, जैसे 98.73 to 37.84, एक अलग ही रेट चेन्नई में रहता है हमारी गवर्नमेंट के हिसाब से। ये देख सकते हैं यहाँ पे कम से कम 50% सोल्ड आउट हाई है। यहाँ पे इससे बात करते हैं एसपीए एस्केप एक्सप्रेस की, यहाँ पे 11:15 के शो की बात करते हैं हम देख सकते हैं ये 65% फुल हाउस है। और यहाँ पे बात करते हैं जिसे दोया पेठा की एसपीए सत्यम सिन्हा जो बहुत फेमस है, सुबह का फटाफट हो रहा है 11:40 का, बाकी शोज भी देख लेते हैं इसका क्या है। ये देख सकते हैं कम से कम ये फुल हाउस हो चुका है 60% तक, और ये देख सकते हैं ये 75% तक फुल हाउस हो चुका है। 10:35 को देख लेते क्या, ओ माई गॉड ये कम से कम 85% तक फुल हाउस हो चुका है। तो ये आपके लिटरली मैं साफ साफ दिखा रहा हूँ, मैं कोई ऐसे वो हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये आपके सामने दिखा रहा हूँ। तो चेन्नई और मुंबई का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही तगड़ा है, और उतना रिस्पॉन्स जो है क्या कहते हैं हिंदी मार्केट में भी अभी तक नहीं है। देख सकते हैं ये पब्लिक है, और पब्लिक है ये सब जानती है, और ये जो पब्लिक है ये यूथ है, और हमारी यूथ को ये फिल्म पसंद आ रही है। इस फिल्म को ब्रह्मास्त्र को पब्लिक बिल्कुल वैसे ही देख रही है जैसे केजीएफ चैप्टर 1 चैप्टर 2 को देखा था, या फिर जैसे बाहुबली 2 को देखा था, या जैसे हॉलीवुड फिल्म में जो आती है मार्वल्स की, वैसी फिल्मों को लेकर जिस तरह से क्रेज है वैसा ही क्रेज ब्रह्मास्त्र को लेकर है साउथ मार्केट पे। अगर एवरेज ऑक्युपेंसी पकड़ी जाए, अभी कितना टाइम बाकी, 5-6 दिन बाकी दोस्त मेरे, और अभी का फर्स्ट डे का जो हाल मैंने आपको चेन्नई और हैदराबाद का दिखाया आपको क्या समझा उससे, वो भी हिंदी वर्जन है ये सब 3D में, उसे ये समझा कि 60% शोज सॉरी 60-65% शोज फर्स्ट डे के हैदराबाद में सोल्ड आउट अभी। और बात करें चेन्नई की तो वहां पर भी कम से कम 50-55% शोज सोल्ड आउट हो चुके हैं फर्स्ट डे के, और ये आपको मैंने प्रूफ के साथ बताया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी बड़ी हिट ये फिल्म हो सकती है। और एक और बड़ी बात, हिंदी मार्केट से ज़्यादा बेहतर इसकी एडवांस बुकिंग साउथ मार्केट के ये दोनों बड़े दिग्गज थिएटर्स में है। यानी कि एक और चीज़ साफ बात है, कोई फिल्म 9 सितंबर को अगर साउथ में आ रही है तो वो फिल्म फेल होने वाली है ब्रह्मास्त्र के आगे, ये भी बात सच है। और पहली बार ऐसा लग रहा है कि नॉर्मली क्या होता था कि साउथ की फिल्में हिंदी ऑडियंस देखती थी और हिंदी फिल्में साउथ ऑडियंस नहीं देखती, तो ये क्वेश्चन होता था कि यार साउथ वाले तो ऐसा नहीं करते, हम भी उनकी फिल्म ना देखा करें। लेकिन मैंने पहले ही से ही कहा है साउथ वाले फिल्में देखेंगे हिंदी फिल्में जब वो उस लेवल की होगी, बड़ी बजट की फिल्म होगी। तो जैसे तारक ने कहा था हमारे जूनियर एनटीआर ने कि बड़ी फिल्में पब्लिक चाहते हैं, हम बड़ी फिल्में बनाएंगे तो पब्लिक देखेगी, और ये बिल्कुल वैसे ही है बड़ी फिल्म। तो आप कितने एक्साइटेड है, कितने खुश है कि अभी 6 दिन पूरे बाकी, स्पेशली 5 दिन तो बाकी है, और उसके पहले ब्रह्मास्त्र का 24 घंटे के अंदर 55-60% तक का एडवांस बुकिंग फर्स्ट डे का फिल हाउस हो चुका है हैदराबाद चेन्नई में, ये इससे कितने खुश है आप जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा दोस्तों। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।